हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 84। तो वर्कशीट नंबर 84 में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है बच्चे? हमने डिस्कस करना है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डिस्कस करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस टाइप की है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस टाइप की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और देखो यहाँ पे स्पेशल कंडीशन दिए थे दैट ए कांट बी ज़ीरो। ए आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ज़ीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसी टाइप का होता है, बस कंडीशन क्या होती है, वहाँ इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल कितना? टू। नेचर ऑफ रूट्स वो भी बताएंगे, रियल रूट्स हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल होते हैं, मेथड सोल्व करने के करेंगे। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जो बी है वो क्या है आपका? कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ ए, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सी इज योर कॉन्स्टेंट टर्म, सी इज योर कॉन्स्टेंट टर्म, क्लियर है। तो यहां से देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंटली जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका नेचर ऑफ रूट्स। यहां से क्वेश्चन 110% आना ही आना होता है। यहां से देखो इसने क्या बोला, अगर जो आपका डी है, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जब आप सोल्व करोगे अगर इसकी वैल्यू बड़ी आ जाए किससे? जीरो से, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। एक फोर होगा तो दूसरा फाइव हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, रूट्स जो हैं, अब अगर इक्वल है ज़ीरो के तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि दो रूट्स आएंगे आपके पास, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। रियल नंबर होगी और दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम, ठीक है। आगे देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर इसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन पर लेस देन ज़ीरो हो जाए तो रूट्स रियल नहीं होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। ये आपने अभी नहीं पढ़ना, यहाँ पे इलेवेंथ में पढ़ोगे। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, मैथड ऑफ सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले यूजिंग फैक्टराइजेशन आप सोल्व कर सकते हो, उसके बाद आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन में कौन कौन से मेथड होते हैं? या तो कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, या फिर क्या करोगे, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, या फिर स्प्लिट मिडल टर्म करोगे। तीन ही तो मेथड होते हैं, सबसे पहले कॉमन, उसके बाद क्या आइडेंटिटी अप्लाई की, उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हुई तो क्या किया, स्प्लिट मिडल टर्म की, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर ऐसा भी कुछ ना हो तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ये किसने दिया था? श्रीधर आचार्य सूत्र। इसको क्या बोला जाता है? श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके रूट्स होंगे। अब ये प्लस माइनस लिखा हुआ तो एक रूट तो प्लस से आएगा, एक रूट माइनस में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक बीच में प्लस कर दिया तो रूट बनेगा, एक माइनस कर दिया तो रूट बनेगा, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है? इसकी कंडीशन पे, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, या लेस, अभी पड़ा है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, देर इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। तो ये जो रूट है यहाँ पे देखो, ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी किससे लेस हो गई? ज़ीरो से लेस हो गई। अगर ज़ीरो से छोटी हो जाए वैल्यू, क्या माइनस वन इज़ लेस देन ज़ीरो, तो मेरे पास कैसे रूट्स होते हैं? रियल रूट्स नहीं होते, ठीक है। आगे देखो, सोल्व फोर एक्स वाई फैक्टराइजेशन। तो देखो बेटा, सबसे पहले स्प्लिट मिडल टर्म अप्लाई की, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट सिक्स इंटू अंडर रूट सिक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा चेंज करना है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर, ये स्टेटमेंट रोंग है, माइनस प्लस के साइन में गड़बड़ है, तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, स्प्लिट मिडल टर्म से इसको सोल्व किया। अगले में देखो आपको क्या दिया हुआ है, अगले में आपको ये दिया हुआ है और कंडीशन दी है इक्वल रूट्स की। किसकी कंडीशन दी है? तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या, अभी अभी बताया था, जो डी है उसकी वैल्यू अगर क्या हो जाए, इक्वल टू ज़ीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी तो बच्चे यहाँ से क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस के,
तो माइनस के स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, जो मैंने वैल्यूज पुट की तो यहाँ से मेरे पास क्या आया के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वहाँ जाकर स्क्वायर रूट करूँगी तो प्लस माइनस 4। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें आपने सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है, और d की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका c है, ठीक है, वैल्यूज पुट की आंसर आ गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ध्यान रखना 3 हो जाएगा, 3 3 9, 9 4 36। क्लियर, आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपने चेंज करना है, क्वेश्चन में आपको प्लस दिया हुआ है, प्लस की जगह माइनस करोगे, ठीक है, एलसीएम लिया, यहाँ से ये आ गया, जब एलसीएम लूँगी तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके इसके साथ, तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस बाहर था तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कट गया, कितना बचा माइनस के 11, ठीक है, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x और माइनस के 28, ठीक है, तो देखो माइनस से 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये माइनस 1 आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई माइनस का 30, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पे भी माइनस 28 था, ठीक है, तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, इसको मैंने स्प्लिट मिडल टर्म से फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। आगे देखो अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर इक्वल रूट्स हैं, सॉरी हाँ, इस वाले इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, और वो ये कह रहा है कि इसमें इसके अंदर इसका एक रूट है -5, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो सबसे पहले यहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली, कब, जब उसने बोला कि इसके रूट्स क्या है -5, एक रूट इसका क्या है -5, तो एक्स को क्या पुट कर दिया -5, जब मैंने एक्स को -5 पुट किया तो पी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, अब पी की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ से जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई के की, ठीक है, और दूसरी कंडीशन उसने क्या दी, दूसरी बात इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आएगा सिर्फ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो के की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अब देखो इसके लिए एक थोड़ी सी ट्रिक चलेगी, ध्यान से देखना, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, ठीक है, यहाँ से जो एक्स वाली टर्म है उसको उठा के मैं कहाँ ले गई राइट हैंड साइड, जब मैं इसको ले गई तो प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लिया तो ये आ गया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो एक्स माइनस ये पूरी टर्म, ठीक है, जब इस पूरी टर्म के सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, क्या बचा, अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लिया तो कितना आ गया ए बी, और ऊपर क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पे 1, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 1 ये माइनस 1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है और इसकी इसके साथ कर देनी है, ठीक है। तो जब मैंने बच्चे यहाँ से वैल्यूज पुट की तो आपको फैक्टर करने बनाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ से देखो इनमें से क्या कॉमन आया एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ए, यहाँ से क्या कॉमन आ गया बी, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस ए, तो इधर एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। क्लियर, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 84, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।